देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। राजधानी की कोटखाउदा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना नंद किशोर सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित 3 पावर बाइक बरामद की है। इस कार्रवाई को पुलिस की स्पेशल टीम और कोटखाउदा पुलिस की संयुक्त टीमों ने अंजाम दिया। गौरतलब है कि 7 जनवरी को देर रात देहलाला गांव में धांसी लाल नटाणी के घर पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोला था। इस दौरान बदमाशों ने हथियारों के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया है और उसकी जांच शुरू कर दी है और मात्र 4 दिन में बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि इन बदमाशों ने अलग अलग जिलों में वारदातों को अंजाम दिया है। सात और 8 जनवरी की रात्रि को दलाला गांव है कोटखावदा थाने में, वहाँ नाटानी परिवार रहता है। उनके यहाँ करीब 7 से 8 लोग हथियार लेके घुस गए। जाग हुई तो उन्होंने फायर कर दिया, उसमें कुछ लोगों को चोट आई, मारपीट हुई, लोग बाहर इकट्ठे हो गए और रोकने की कोशिश की, उसमें रुके नहीं और वो लोग भाग गए। पुलिस ने अवेलेबल जो भी हमारे रिसोर्सेज थे उनसे इन्वेस्टिगेशन किया और रात दिन काम करके उस गैंग को वर्कआउट किया। ये एक इंटरस्टेट गैंग है, बेसिकली बावरी और बंजारा लोगों की मिली जुली गैंग है। बावरियों ने ऑपरेशन किया और बंजारों ने शेल्टर दिए।